हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल इंटेलिजेंस टॉक विद जीजी में। दोस्तों, अगर आप जैसलमेर जाने का प्लान कर रहे हैं वैकेशन के लिए, तो आपने जरूर प्लान किया होगा कि एटलीस्ट एक दिन के लिए आप डेजर्ट में जरूर रहेंगे, टेंट्स में या कॉटेज में, सैम सैंड ड्यून्स के पास में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छे कॉटेज या टेंट्स के ऑप्शन बताने वाला हूँ, जो बजट फ्रेंडली भी होंगे और साथ ही साथ फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छे होंगे, कपल्स के लिए बहुत अच्छे होंगे और जिनके रिव्यूज़ भी बहुत ही बढ़िया हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ जो भी मैं प्राइस डिस्कस करने वाला हूँ वो सीजन टाइम के ही प्राइस होंगे, लेकिन 20 दिसंबर से लेकर 15-20 दिनों तक प्राइस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो ये प्राइस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और जो 20 दिसंबर से लेकर 5 या 10 जनवरी तक प्राइस होते हैं, वो प्राइस मैच नहीं करेंगे, वो प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप उस टाइम जाने का प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2-3 मंथ्स पहले बुकिंग करवा लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके साथ टोटल 5 ऑप्शन डिस्कस करने वाला हूँ, वैसे कोई प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन 5th नंबर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा श्री कोठिया डेजर्ट सफारी एंड कैंप। दोस्तों, ये अपोजिट सैम सैंड ड्यून्स है और सनसेट पॉइंट के बहुत ही नज़दीक है। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं कॉटेज प्राइस की बात करूँ तो लगभग 1800-2000 तक आपको मिल जाता है विद कैमल सफारी, और ब्रेकफास्ट और डिनर भी आपका इंक्लूडेड होता है। और दोस्तों, यहाँ पर टेंट्स भी अवेलेबल है। अगर मैं टेंट्स के प्राइस की बात करूँ तो 2100-2300 तक आपको मिल जाता है, अगेन विद कैमल सफारी, ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं रूम साइज़ की बात करूँ, कॉटेज साइज जो है वो लगभग आपका 144 स्क्वायर फीट है और जो टेंट साइज है वो लगभग 196 स्क्वायर फीट है। सबसे पहले यहाँ पर आपका वेलकम होगा आरती और टिक्का के साथ, उसके अलावा शाम को हाई टी विथ स्नैक्स है, और इसके अलावा दोस्तों कल्चरल प्रोग्राम है विथ राजस्थानी फोक डांस एंड म्यूजिक। इसके अलावा दोस्तों डीजे डांस मस्ती का भी ऑप्शन है। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं जो इसी प्राइस में आपके लिए इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो फ्री पार्किंग, इसके अलावा एयरपोर्ट ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, पेड ऑप्शन है, और इसके अलावा यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, बार भी है, लगेज स्टोरेज की फैसिलिटी है, पावर बैकअप है, और साथ ही साथ बॉन फायर का भी ऑप्शन है, और इसके अलावा गाइडेड टूर्स भी हैं, वो भी अगेन पेड होंगे। तो बहुत सारे अदर ऑप्शन हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं इसके चेक इन और चेकआउट टाइम की बात करूँ तो जो चेक इन टाइम है वो 3 PM है और चेकआउट टाइम जो है वो 10 AM है। तो दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो रिव्यूज़ भी काफ़ी सही हैं, प्राइस भी काफ़ी सही हैं, क्योंकि ये डेजर्ट में है सारे टेंट्स, तो प्राइस थोड़े हाई तो होंगे ही, लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो प्राइस काफ़ी सही है, तो आप जरूर इसे कंसिडर कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, जो नंबर 4 पर है वो है स्काई डेजर्ट कैंप। ये भी दोस्तों सैम सैंड ड्यून्स में ही है, और यहाँ पर दोस्तों जो टेंट का जो प्राइस है वो 1800-2000 है विथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर। इस प्राइस पे दोस्तों कैमल सफारी इंक्लूडेड नहीं है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर मैं चेक इन टाइम की बात करूँ तो वो है 11 AM और चेकआउट टाइम है 10 AM, और यहाँ पर भी दोस्तों आपको वेलकम मिलता है विथ आरती एंड टिक्का, यहाँ पर भी डीजे डांस मस्ती का ऑप्शन है, कल्चरल प्रोग्राम का ऑप्शन है, इसके अलावा दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है ऑन वेलकम, तो बहुत सारी अदर चीज़ें यहाँ पर भी इंक्लूडेड हैं। और अगर मैं यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो अगेन पार्किंग आपको मिलती है, पावर बैकअप है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी बॉन फायर का ऑप्शन है ऑन रिक्वेस्ट। और दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आपको प्राइस बताया है वो सुपर डिलक्स टेंट का प्राइस है, सबसे मिनिमम पॉसिबल ऑप्शन यहाँ पर यही अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, बेस्ट प्राइस के साथ, बेस्ट लोकेशन के साथ, और रिव्यूज़ भी इसके बहुत सही हैं। नाउ दोस्तों, जो नंबर 3 पर है वो है स्टार डेजर्ट कैंप। दोस्तों, ये भी सैम सैंड ड्यून्स में है, सैम रोड पे, और यहाँ पर अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो आपको 2000-2300 तक डिलक्स टेंट मिल जाता है विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और दोस्तों, यहाँ पर भी इस प्राइस में कैमल सफारी इंक्लूडेड नहीं है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी आपको कल्चरल प्रोग्राम का ऑप्शन मिलता है, और अगर मैं यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो अगेन फ्री पार्किंग, वाईफाई, बॉन फायर ऑन रिक्वेस्ट, इसके अलावा दोस्तों आप जंगल सफारी के लिए भी जा सकते हैं, अगेन पेड होगी। इसके अलावा दोस्तों पेड शटल सर्विस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, किड्स के लिए प्ले एरिया है, लगेज स्टोरेज की फैसिलिटी है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर भी। और अगर दोस्तों मैं इसके चेक इन टाइम की बात करूँ तो 3 PM है और चेकआउट टाइम जो है वो 10 AM है। तो ओवरऑल दोस्तों इसके रिव्यूज़ भी बहुत सही हैं, लोकेशन भी बहुत सही हैं, तो इस ऑप्शन को भी आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। नौ दोस्तों, जो नंबर 2 पर है वो है विनायक डेजर्ट कैंप। दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड टेंट्स मिल जाते हैं 1800-2000 के प्राइस में विथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं टेंट साइज की बात करूँ तो यहाँ पर साइज जो है बहुत ज़्यादा है, 450 स्क्वायर फिट है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिलेगा।
और यहां पर अगर मैं चेक इन टाइम की बात करता हूं तो वो है 2 PM और चेकआउट टाइम जो है 12 PM। इसके अलावा दोस्तों यहां पर भी आपको वेलकम मिलता है विद आरती एंड टिक्का। यहां पर भी कल्चरल प्रोग्राम का ऑप्शन है, डीजे डांस मस्ती का ऑप्शन है, हाई टी इन इवनिंग का ऑप्शन है, इसके अलावा दोस्तों बेड टी का भी ऑप्शन है, इसके अलावा दोस्तों वेलकम ड्रिंक आपको मिलती है। तो बहुत सारी चीजें यहां पर इंक्लूडेड है और प्राइस भी दोस्तों बहुत सही है इतनी सारी चीजों के अकॉर्डिंग। और दोस्तों यहां पर अगर मैं बेसिक फैसिलिटीज की बात करूं तो अगेन पार्किंग, पावर बैकअप और इसके अलावा जीप सफारी का ऑप्शन है, इसके अलावा दोस्तों बॉनफायर का ऑप्शन है ऑन रिक्वेस्ट, इसके अलावा लगेज स्टोरेज का ऑप्शन है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर रेस्टोरेंट एंड बार भी है। तो दोस्तों बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज यहाँ भी इंक्लूडेड है। और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको ऑप्शन बताया है उसमें कैमल राइड इंक्लूडेड है, तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। तो इसी कारण प्राइस वाइज और इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ ये ऑप्शन आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नौ दोस्तों जो नंबर वन पे है वो है शिव तारा डेजर्ट कैंप अपोजिट सैम सैंड ड्यून्स। बेसिकली दोस्तों इसकी लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, आप बिल्कुल मेन अट्रैक्शन के बहुत ही पास रहने वाले हैं। और यहाँ पर अगर मैं टेंट्स प्राइस की बात करूँ तो आपको 1800 से 2000 के प्राइस में डेजर्ट स्विस टेंट मिल जाते हैं विथ कैमल राइड। और दोस्तों यहाँ पर भी अगर मैं टेंट साइज की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा है, 450 स्क्वायर फीट है, तो आपको काफ़ी स्पेस मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर भी आपको वेलकम मिलता है विथ आरती एंड टिक्का, हाई टी का ऑप्शन है इवनिंग में, इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर भी है, डीजे डांस मस्ती का ऑप्शन है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पर भी इंक्लूडेड है जैसा मैंने आपको प्रीवियस ऑप्शन में बताया था। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं यहाँ पर चेक इन टाइम की बात करूँ तो 3 PM है और चेकआउट टाइम जो है वो 10 AM है। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बेसिक फैसिलिटीज की बात करूँ तो अगेन यहाँ पर भी पार्किंग की फैसिलिटी है, पावर बैकअप है, बॉनफायर ऑन रिक्वेस्ट है, रेस्टोरेंट है, एयरपोर्ट ट्रांसफर की फैसिलिटी है, पेड है। तो दोस्तों ओवरऑल सारी बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पर भी इंक्लूडेड है, रिव्यूज बहुत ही अच्छे हैं इसके, साथ ही साथ लोकेशन भी बहुत बढ़िया है, तो इस ऑप्शन को भी आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो आपके लिए प्रेफरेंस क्या है आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको सैम सैंड ड्यून्स के बिल्कुल पास में रहना है तो शिव तारा डेजर्ट कैंप बहुत ही बढ़िया है। अगर आप मेन अट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं तो विनायक डेजर्ट कैंप भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों आई होप आपको ये ऑप्शन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये ऑप्शन अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।